नेताजी की सेना जिसे कहते हैं पूरी तैयार की गई है। कभी इसका इतिहास तो आपको सबको मालूम होता है, इस पर एक तो पूरी फिल्म बन चुकी है। पहुंच गए स्थल शहीदी पार्क के पास, भारत माता जिसके नाम से देश जाना जाता है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा चैनल एच प्लस वन में। तो आज को जैसा पता है कि मेरा चैनल चैलेंज चल रहा है 10 डे 10 डेली न्यू प्लेस के हिसाब से। आज हमारा 7वां दिन है और हम जा रहे हैं शहीदी पार्क। और वहाँ की खासियत मैं आपको बता दूँ कि वहाँ जो भी शहीद हुए हैं हमारे देश के, उनकी जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। जो से आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, वेस्ट ऑफ वंडर और डायनासोर और जो भी इक्विपमेंट बनाए गए थे वो वेस्ट से बनाए गए थे। इसी तरह से वहाँ पे हमारे शहीदों को जो भी है उनकी जो मूर्तियाँ कलाकारती की गई है वो वेस्ट मटेरियल से की गई। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ और आपको वहाँ जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा प्राइस है, क्या है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं पूरा शहीदी पार्क। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। तो चलते हैं शहीदी पार्क। गाइस, जैसा कि आपको बताओ कि हम पहुंच गए स्थल शहीदी पार्क के पास और आपको यहां पे जो भी दिखाई दे रहा होगा इस तरह से अंदर आपको पूरा डेकोरेशन मिलेगी। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हाई इसका प्राइस और कितना इसका टाइमिंग। तो आइए चले अंदर। तो गाइस, जैसा कि आपको आप सामने दिखा दूँ, ये शहीदी पार्क का एंट्रेंस है और ये हमारे यहाँ टिकट काउंटर। और यहाँ का टिकट का प्राइस मैं आपको बता दूँ तो 50 रुपये पर पर्सन वीक डे में, और वीकेंड में यहाँ पे मिलता है 100 रुपये का टिकट। और जैसे कि हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है और हम जा रहे हैं अंदर इसको एक्सप्लोर करने। तो चलो, हमारे भारत की जिस नाम से रखा गया था राजा भरत, वो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और ये है हमारे राजा भरत का जो एक्सप्लोर बनाया गया है, इसको राजा भरत के नाम से बनाया गया है। ये राजा भरत खिलाए जाते थे, पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा जो इस टाइम नज़र आ रहा है। तो गाइस, जैसा कि आपको बता दूं, मैं इस टाइम शहीदी पार्क के अंदर हूं और आपको यहां पे देशभक्ति के गाने सुनाई दे रहे होंगे। और इस टाइम माहौल एकदम बिल्कुल शांत भरा है। और बाकी अब अंदर जाके हम देखते हैं कि हमें और कौन से यहां पे जो शहीद हैं उनके जो मूर्तियां हैं जो वेस्ट से बनाई गई, हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। तो चलते हैं हम आगे अंदर की तरफ और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं शहीदी पार्क। तो गाइस, इसको कहते हैं यहाँ हम भारत माता जिसके नाम से देश जाना जाता है। ये उनका जो स्ट्रक्चर तैयार करा गया है, पूरा वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है और इसकी लंबाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही है। और ये हमारा देश का तिरंगा, ये भी वेट से बनाया गया है। तो गाइस, इस टाइम हम आए हैं जिसे कहते हैं ना भारत का स्वर्ण युग, जो होता था उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल ये मिल जाएगी, इसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। इसको कहते हैं राजा पोरस, जो पोरस आपको पता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। और इसे कहते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपको सब पता है इसकी महर्षि चाणक्य बहुत ही ज्ञानी थे और ये उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद हमारे आते हैं समुद्रगुप्त, ये भी चाणक्य नीति के हिसाब से ही आगे उनके हिसाब से चल रहे हुए थे। ये भी राजवंश से कहलाए जाते हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद हमारा युग आ जाता है हर्षवर्धन का, राजा हर्षवर्धन का राज्य है यहाँ पे, ये दिखाया गया है पूरा ही अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम चले जाते हैं मिहिर भोज, जो है कहते ना गुज्जर समाज के जो सबसे बड़े योद्धा राजा थे, ये उसको कहते हैं मिहिर भोज। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे की तरफ राजेंद्र भोल, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य एक बहुत पुराना साम्राज्य है जिसके बारे में आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी, जो मैं आपको बाकायदा देते जा रहा हूँ। इसके बाद हम आ गए थे, हमारा युग शुरू हो गया था महाराणा हम्मीर सिंह के हिसाब से, ये उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है ये, और इसकी सारी डिटेल दी गई है। इसके बाद हम आ गए थे महाराणा कुंभ, ये उनका स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और ऐसे ही यहाँ पे सारे हर कहते ना सारे राजाओं की प्रतिमाएं इस तरह से तैयार की गई है, जो आपको देखने में बहुत मज़ा ही आएगा और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो आजकल के जो इतिहासकार है जो पढ़ना चाहते हैं, इनको कहते हैं महाराणा सांगा, ये इनका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके बाद है राजा हेमू, हेमू को तो आपको पता है कि अकबर से युद्ध हुआ था और ये उसमें हार गए थे, जो बाद में जो भी था वो आपको इतिहास में सब कुछ दिख ही जाएगा। इसके बाद हम आ गए महाराजा छत्रसाल, ये इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है जो देखने में बहुत अच्छा आकर्षक है। यहाँ बच्चे आएंगे ना आजकल के, तो उनको शिक्षा का बहुत ज़्यादा, जिनको इतिहास का नहीं मालूम है
ये सब यहाँ को मिलेगा, बिकॉज बाकायदा सब कुछ मिलेगा। गाइस इसको कहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का इतिहास तो आपको सबको ही पता है कि इनका हल्दी घाटी युद्ध बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, और ये है हमारे वही योद्धा है जो सारे हैं। कहते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, ये वो दृश्य पहना चौहान यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने आँख पे पट्टी बांध कर और एक वो कौन से अपने प्रतिनिधि को वध किया था। ये इनकी जो मूर्ति है ये उसके सामने ही है। महाराज सम्राट अशोक, जो हमारा अशोक स्तंभ है जो हमारे देश में लागू किया गया है, वो इनकी वजह से लगा किया गया कि इनको कहते हैं सम्राट अशोक। यहाँ से हमारा मराठा साम्राज्य शुरू हो जाता है। यहाँ के मराठे जितने भी थे, यहाँ शुरुआत होती है हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज से। ये उनकी माँ छत्रपति जी के, और ये उनके जो भी है आपको यहाँ सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद हमारा पता हो जाता है छत्रपति संभाजी महाराज, ये इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत। और इसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जो आपने देखे ना, ये इनको कहते हैं बाजीराव मस्तानी, बाजीराव के पिताश्री को कहते हैं बालाजी भट्ट। ये बहुत उस टाइम के बड़े पेशवा थे। इसके बाद पेशवा बाजीराव, इसका इतिहास तो आपको सबको मालूम होता है, इस पर एक तो पूरी फिल्म बन चुकी है। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है सदाशिवराव भाऊ, ये कहते हैं ये बाजीराव जी के भाई कहा करते थे ये, उनके बारे में युद्ध में बहुत अच्छी इनके भी एक पिक्चर बनी थी जो आपने देखी होगी। कौन सी थी वो आपको मैं कमेंट करके बता देना जिसने भी ये पिक्चर देखी होगी। इसके बाद मेहंदी शिंदे का है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, और इसके बाद हमारा सिख साम्राज्य शुरू हो जाता है यहाँ से। तो हमारे यहाँ पे है बंदा सिंह बहादुर जी का स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसके बाद हमारा है बाबा दीप सिंह, और इसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं जस्सा सिंह अलूवालिया। इनकी सबके आपको यहाँ पे सारी पढ़ने को डिटेल मिलेगी, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते तो उनके लिए शहीदी पार्क आना बहुत अच्छा किफ़ायती हो। और ये है हमारे सरदार सिंह निलवा, इनकी सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी इनको कहते हैं भाई भागो, इनके सारी डिटेल आपको यहाँ इस पर मिल जाएगी। और ये है हमारे एक और योद्धा जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह। इनका भी इतिहास बहुत अच्छा है जो आपको पढ़ना चाहिए कि आपको ज़रूर मिलेगा। आखिरी में जो बताया गया था मराठे साम्राज्य के जो मेन योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ से हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमारे मंगल पांडे जी का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे मंगल पांडे जी का युद्ध चल रहा है अंग्रेज़ों के हिसाब से। और इसके बाद हमारे सामने आ जाती है रानी चिन्नम्मा, जो भी इनका इतिहास था वो आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। देखने में पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और सारा इतिहास मिलेगा हमारे शहीदों के बारे में। और ये हमारे तात्या टोपे जी का है, जिन्होंने भी बड़ी अच्छी वो की थी संग्राम में और हमारे देश की आज़ादी में, इनका भी बड़ा बड़ा हाथ था यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी। और इसके बाद हमारे पास आज हाँ जाते हैं, हम पहुँचने वाले हैं इसको कहते हैं हम सत्यनजी विद्रोह, कौन सा सन्यासी विद्रोह था, ये भी एक विद्रोह हुआ करता था। इसके बाद ये हमारे हैं बिरसा मुंडा जी, इनका भी इतिहास आपको इसमें देखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका जिसको बहुत कैप्चर समझने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी हिस्ट्री के शार्प है, जिनको इंटरेस्ट है हर चीज़ में, तो यहाँ एक बार ज़रूर आए। यहाँ पे हर आने के बाद इनको सब कुछ मिलने को सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, और अरके के बारे में सारी डिटेल में बताया गया है। और यहाँ के हमारे जो खासियत है स्वामी विवेकानंद जी, जो इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे किसी तरह तैयार किया गया है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं इस टाइम यहाँ पे आके थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है, लेकिन मेरा जो संकल्प है कि 10 डे न्यू प्लेस के हिसाब से ये हमारा 7वां दिन था, और आज हम आ गए हैं यहाँ कहते हैं शहीदी पार्क में। और शहीदी पार्क का जो व्यू है मैं आपको पूरा बता ही रहा हूँ, तो बने रहे मेरे साथ और चलते हैं आगे। हमारा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, और इसकी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे दूँ। चापेकर बंधु जो भी थे यहाँ के, इन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा इनका हाथ था। और इसके बाद हम आ जाते हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले, ये इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसके बाद हमारे लाला लाजपत राय, जिनको अंग्रेज़ों ने लाठियों से मारा गया था, और ये हमारे गांधी जी का स्ट्रक्चर है दांडी मार्च का, कि दांडी मार्च में क्या क्या हुआ करता था। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, और देखने वाली बात है कि यहाँ ना
की कोई टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आओ, यानी शाम को जल्दी बंद हो जाता है। और ये विवेकानंद यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर जो कहते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए ना, कि हमारे इतिहास के बारे में जिसको नई कम नॉलेज है वह आके सारी नॉलेज ले सकता है, हर चीज़ के बारे में बताइए, शुरू से ले राजा भरत के टाइम से लेके और लास्ट टाइम तक। ये काकोरी कांड भगत सिंह का जो चोरी का था, ये उस पर दर्शाया गया है ये सीन। और ये हमारे भगत सिंह का है जो इन्होंने, ये नहीं भगत सिंह नहीं है, हाँ ये भगत सिंह ही है। और ये हमारे इधर आ गए है, ये कोर्ट का है जो इन्होंने बम फेंके थे पार्लियामेंट में, ये उसका दर्शाया गया है यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर इतिहास में के चारे में जितना जानोगे उतने बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं बनाई गई हैं, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और जानने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का की सेना है ये पूरी, कि नेताजी की सेना जिसे कहते हैं, पूरी तैयार की गई है कभी। तो गाइस यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है जवाहरलाल नेहरू इस आज़ादी के बाद का इतिहास, जो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ एक्सप्लोर करके। और ये इनका जो पता ही आपको हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का था, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारे शुरू हो जाते भारत के विभिन्न मुद्राओं में परमवीर चक्र प्राप्त करता हुआ, यो तोप। और यहाँ पे जितने भी सबको परमवीर चक्र मिले हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट मिले, यहाँ के सारे कहते रहे जो मूर्तियां तैयार की गई वो यहाँ आपको सबको मिलेगी सारी डिटेल। ये सब के जितने भी हमारे अफसर हैं, सूबेदार हैं, इन सबको परमवीर चक्र मिला हुआ है। और ये हमारे आज के टाइम में जो उस टाइम कहते हैं बहुत अच्छे जिन्हें कहते हैं ना, इनका सारा इतिहास आपको, जैसे इनको कहते थे वील अब्दुल हमीद और लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तपारे, सबको यहाँ पे। और ये हमारे पोखरण, ये पोखरण 2 जो टेस्ट हुआ था हमारा, ये उसके ऊपर आधारित है। तो गाइस घूम फिर के बहुत ज़्यादा थक गया था, धूप भी बहुत तेज़ थी, और मैंने आपको पूरा अभी तक जितना भी था शहीदी पार्क एक्सप्लोर करा दिया है। अब बाकी देखते हैं हमारा क्या रह गया है, वो भी एक्सप्लोर करा के हम जाते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ऐसा लग रहा है कि आज हम यही एक्सप्लोर करने हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। बाकी आप जो आओगे अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा माहौल है और उनको जो भी इतिहास के बारे में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, और उनका इतिहास नॉलेज बढ़ेगा ही, आने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे बच्चों को जिनको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उनको ज़रूर लेकर यहाँ पर आएँ, और यहाँ के हमारे जितने भी इतिहास और जितने भी चाहिए और जितने भी इनका हो ज़रूर उनके बारे में पढ़े एक बार आके। तो चलते हैं बाकी हमारा क्या क्या रह गया मैं आपको दिखा। गाइस ये वो जगह है जहाँ हमारे यंगसंग हीरो के नाम लिखे गए हैं हर राज्य के हिसाब से, जो उनका बारे देश में जो भी ना कार्य है उनके सारे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जो हर प्रदेश के जितने भी हमारे हीरोज थे उनके सारे नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हमारा तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पूरा शहीदी पार्क का एक्सप्लोर करके बता दिया, और यहाँ के सारे जितने भी डिटेल थे मैंने आपको पूरे बाकायदा बताई है। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो मैं थोड़ी छाँव ढूंढ रहा था, तो हमारे यहाँ पे छाँव मिली और हमारे ब्लॉग एंड करने का समय आ गया है। तो हम चलते हैं यहाँ से वापस और अपने वापस ऑफिस की तरफ। तो आपको जैसा भी है, आपको अगर यहाँ आना है तो यहाँ का लोकेशन मैं आपको बताती हूँ कि ITO के पास मेट्रो स्टेशन से कोई भी आप यहाँ छोड़, यहाँ से 10 का रिक्शा पकड़ के वही सवारी मिल जाती है, वहाँ आके मिल सकते हो। और टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक ये खुलता है, और इसकी लोकेशन भी आपको बताई, टाइमिंग बता दी। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पता ही है मेरा चैनल चला 10 डे के हिसाब से, ये मेरा 7वां लोकेशन। अब मिलते हैं नई जगह पे और नई लोकेशन के साथ, उसके तब तक के लिए बाय बाय।